दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में आयंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आयंस है एक तरह का आवेशित प्रजातियां। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये सर स्पीसीज का मतलब क्या होता है? तो स्पीसीज का मतलब होता है दोस्त एटम, मॉलिक्यूल या आयन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्पीसीज। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता हो तो उस समय उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होते हैं ना दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयंस। अब यहां पर देखिए दोस्त, नेचर के आधार पर आयंस हैं दो प्रकार के। जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के भी दो कंपोनेंट है। आयंस का दो कंपोनेंट है, एक है आपका पॉजिटिव आयन और दूसरा है आपका नेगेटिव आयन। अब देखिए दोस्त, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होता है? मान लीजिए दोस्त, ये मेरा सोडियम के एलिमेंट है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मेरा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये होगी लास्ट सेल। तो लास्ट सेल को बोलो वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जब कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से इसके मुंडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, सोडियम के एलिमेंट है, घर से बाहर निकला और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी सोडियम को नहीं देगा, तो ऐसी हालात में दोस्त सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो सोडियम घर से बाहर निकला, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस तरह हमारे दोस्त के टाइम का फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एलिमेंट लेते दोस्त, नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो मैग्नीशियम है दोस्त घर से बाहर निकला और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और दो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस तरह मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में आपका 3rd इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा हो गया अंतिम सेल। तो अंतिम सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्युमिनियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। कोई भी एलिमेंट 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन का भी एल्युमिनियम को देगा ही। ऐसे हालात में एल्युमिनियम दोस्त घर से बाहर निकला और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। यहाँ पर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। एल्युमिनियम आयन दोस्त एक तरह का केटायन है। अब हम दोस्त कुछ एन आयन के एग्जांपल लेते हैं। पहले एलिमेंट के रूप में ले रहे हैं दोस्त फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्त, ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल को लास्ट सेल बोलते हैं, और लास्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब कभी भी दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है,
और उस एलिमेंट के मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और वह हमेशा A9 बन जाता है। यहां पर देखिए दोस्तों, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। फास्फोरस को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फास्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। इस तरह हमारा फास्फोरस फॉस्फाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो फॉस्फाइड आयन दोस्त एक तरह का आपका N-ion। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर क्या करता है दोस्त, सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। तो सल्फर दोस्त इस तरह सल्फाइड आयन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर सल्फाइड आयन एक तरह का नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड सेल को बोलते हैं लास्ट सेल और लास्ट सेल हो गया मेरा वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन दोस्त, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। तो इस तरह दोस्त क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। तो ये हमारा क्लोराइड आयन बन गया। इसी क्लोराइड आयन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा N-ion बन गया। तो यहां पर देखिए दोस्त, आयन दो प्रकार के हैं, एक है आपका पॉजिटिव आयन और एक आपका नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को प्यार से क्या बोलते हैं, केट आयन, और नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं दोस्त एन आयन। अब यहां पर देखिए दोस्त, केट आयन इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से जो बनता है वह हमारा केट आयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से जो बनता है वह हमारा A9 कहलाता है। केट आयन के एग्जांपल हो गए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्यूपरस आयन, क्यूपरिक आयन, एल्युमिनियम आयन। ये सभी इलेक्ट्रॉन को लूज करके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए ये सभी हमारा केट आयन का एग्जांपल हो गया। A9 के एग्जांपल हो गया क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन और ये हो गया आपका दोस्त फॉस्फाइड आयन। अब यहां पर देखिए दोस्त, परमाणु की संख्या के आधार पर आयंस हैं दो प्रकार के। यहां पर देखिए दोस्त, आयंस जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के यहां पर दो कंपोनेंट है। एक है आपका मोनोएटॉमिक आयंस और एक है आपका पॉलीएटॉमिक आयंस। देखिए दोस्त, एक ऐसा आयन जो धारण करता हो सिर्फ एक परमाणु को वह हमारा मोनोएटॉमिक आयन कहलाता है। एक ऐसा आयन जो धारण करता हो एक से अधिक परमाणु को उसी को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। तो मोनोएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और ये हो गया आपका नाइट्राइड आयन। पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया दोस्त हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और ये हो गया आपका फॉस्फेट आयन।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आयंस के बारे में क्या हो गया, कुछ टॉपिक खत्म। तो दोस्त चीते की चाल बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कह सकता।